हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेलकमिंग यू ऑन द बंसल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट वन ऑफ द टॉपिक दैट इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथर। सो राइट डाउन हाइड्रोलिसिस ऑफ इथर। ये जो टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस ऑफ इथर मतलब समझो कि व्हाट आई एम डूइंग, लिसिस दैट मींस टू ब्रेक। इसका ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, इथर का ब्रेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो। हाइड्रो मींस विद द हेल्प ऑफ H2O। तो हम लोग इथर को ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, इफ समवन आस्क यू राइट व्हाट विल हैपन व्हेन द ROR रिएक्ट विद द OH-। इथर का क्या रिएक्शन होगा OH- के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O? हम लोग बोलेंगे नो रिएक्शन, ठीक है। इनका रिएक्शन ऐसे होता नहीं। अब देखो ना यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है तो ध्यान देना, ये तो एसिड रहेगा नहीं। और ओएच माइनस जो रिएक्शन होता है वो किसके साथ होता है? एसिड के साथ होता है। दिस इज द बेस, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और चीज समझना है आपको कि ROH, ठीक है, ROH का रिएक्शन NaOH के साथ भी नहीं होता है ना, नो रिएक्शन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? And the reason behind is that ये उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, अल्कोहल उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है। If you take the pKa value, pKa value है 16 to 18। देखो ROH तो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो ROH के साथ, ROH का रिएक्शन में एक स्पीसीज के साथ करूंगा, and that is NaNH2, and this is a very strong base, jiski wajah se yahan pe banta hai RO- plus NH3। RO- aur yahan pe kya aa jayega, sodium aa jayega, Na plus aa jayega, theek hai, plus NH3 ban jayega, all right। to these are the reaction, aur hum log kya dekh rahe hain, is reaction mein kiska reaction hota hai, kiska reaction nahi ho raha hai, है ना। तो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ इस्टर? हम क्या देख रहे हैं यहां पे, बेस से काम नहीं हो रहा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, इफ यू सी दैट कि ये जो अल्कोहल भी आप देख लो, ये जो बेस है और ये अल्कोहल है, क्या देखो बेसिक मीडियम में क्या ये स्टेबल है। यहां तक कि अगर देखो कि आप अगर ले लेते हो एल्कीन, अच्छा अगर इसका रिएक्शन करे NaOH के साथ, क्या NaOH के साथ इसका रिएक्शन होगा? हम बोलेंगे नो रिएक्शन, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, फोर्थ नंबर अगर मैं लिखू RNHR, ये क्या है, अमीन है, क्या इसका रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ? तो भी नो रिएक्शन होगा। तो यहां पे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन। हम लोग एक यहां पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, एंड द कंक्लूजन इज दैट, आप लिख लो इसको, ये अल्कोहल इथर अल्कीन, ठीक है, एंड अमीन, ये जो अमीन्स हो गए, ठीक है, आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम। And base is
बेसिक मीडियम खास करके कब, जब बेस कौन सा रहेगा, NaOH रहेगा। तो मतलब यहाँ पे NaOH के साथ इनका रिएक्शन मुश्किल है, ठीक है। अल्कोहल हो गया, इथर हो गया, अल्किन हो गया, अमीन, ये सब स्टेबल है इन बेसिक मीडियम, खास करके जब NaOH तुम्हारा क्या रहेगा, बेस रहेंगे, ठीक है। देखो हाइड्रोलिसिस पार्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायंस वगैरह भी आएंगे, है ना। नेक्स्ट सपोज यहाँ पे अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मीडियम एसिडिक लगाते हैं, आपको दिख रहा है ये क्या है, इथर है, और मैं इसको डिस्टिंग्विश कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ 18। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये आइसोटोप शो कर रहा है, ठीक है। क्या बनेगा सोचना है, देखो इनका रिएक्शन करेंगे H3O प्लस के प्रेजेंस में, H3O प्लस क्या है, जब H प्लस को हम H2O के साथ अगर लिखते कंबाइन करके, यही तुम्हारा H3O प्लस है, तो क्या बनेगा, ठीक है। तो लेट अस डू स्टार्ट विद द सम ऑफ द मैकेनिज्म। H प्लस अगर मान लो हम यहाँ पे H प्लस ऐड करते हैं सपोज, तो H प्लस कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे H प्लस ऐड कर देते हैं, दिस इज 18, और यहाँ पे प्लस बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है बॉन्ड तोड़ने का, यू हैव द टू पॉसिबिलिटी टू ब्रेक द बॉन्ड, एक मिनट, यू हैव द टू पॉसिबिलिटी टू ब्रेक द बॉन्ड, वन प्रोसेस नंबर ए, सेकेंड इट विल लीड्स टू द प्रोसेस नंबर बी। अगर प्रोसेस नंबर बी से अगर हम बॉन्ड तोड़े हैं सपोज, क्या मिलेगा तुमको, CH3OH मिलेगा। देखो सिंपल सा बात है ना, ये बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है, और इस बॉन्ड को हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, मतलब दिस इज द मैकेनिज्म, सो टेबल मैकेनिज्म, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, है ना, सिंपल सा बात है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज पे, तो CH3OH, और ध्यान देना 18 कहाँ पे गया है, CH3OH के पास 18 गया है, यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। अब उसी तरह से मान लो प्रोसेस ए में अगर देखा जाए, प्रोसेस ए में कैसे बना है, प्रोसेस ए में ध्यान देना कि हमने इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया है, व्हाट विल हैपन, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3+ एंड CH3. मैं दो पॉसिबिलिटी बना रहा हूं कि अगर रिएक्शन अगर होता है और 18 यहां पे चला जाएगा, ठीक है, एक प्रोसेस ए पे रिएक्शन हुआ, एक प्रोसेस बी पे रिएक्शन हुआ, बट व्हाट यू सी, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोकैटायन इन विच प्रोसेस, इन बी, देखो बी प्रोसेस में जो तुम्हारा है कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई, जिसकी वजह से ये रिएक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान देना है कि आगे क्या होगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा आगे किसके साथ, H2O के साथ, और H2O के साथ रिएक्शन होगा तो ध्यान देना H2O टूट जाएगा, इसमें टूटना, इसको तोड़ना ऐसे नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा तुमको इस तरह से, यहां पे तो OH2+ हो जाएगा, H2O जब अटैक होगा क्या होगा, H2O यहां पे अटैक कर गया है, तो OH2+
और यहाँ से क्या करेंगे क्या, हाइड्रोजन निकाल देंगे तो बन जाएगा, दो प्रोडक्ट बनेगा सर, एक प्रोडक्ट होगा तुम्हारा CH3OH प्लस CH3 होल थ्राइस COH, एडिन कहाँ जाएगा, CH3OH के पास एडिन जाएगा। देखो मैं फिर से यहाँ पे फिर से समराइज कर रहा हूँ, ध्यान देना कि हाइड्रोलिसिस ऑफ जो इस्टर हुआ किसके प्रेजेंस हुआ है, एसिड के प्रेजेंस में हुआ है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इस्टर इज फेवर्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोन कैटायन। हम क्या देख रहे हैं, प्रोसेस ए में उतना स्टेबल कार्बोन कैटायन नहीं बना तो हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से हटा देंगे, बहुत अच्छी बात है, इसमें लेंगे। लेकिन देखो प्रोसेस बी में तुमको देर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोन कैटायन, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज गोइंग इन टू द नेक्स्ट प्रोसेस। अब जो एच टू ओ जो एड हुआ, तो ध्यान देना एच टू ओ एड होगा तो वहां पे ओ एच टू ओ पे प्लस आएगा, और फिर यहाँ से माइनस हाइड्रोजन निकल जाएगा ओ एच टू से, माइनस हाइड्रोजन निकलने से क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी ओ एच हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोन कैटायन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी देखो नेक्स्ट। एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथर जो है हम लोग क्या किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, एसिड के प्रेजेंस में कर रहे हैं। सेकेंडली एक रिएक्शन लिख रहे हैं, सपोज ईटीओ ईटी, इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर, ठीक है। और डाई इथाइल ईथर के केस में हमको बताना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पर लिए हैं सर कॉन्क एच आई प्रेजेंस में क्या बनेगा, और कॉन्क एच आई यहां पे मान लो ले लिए हैं एक्सेस में, कॉन्क एच आई क्या लिए हैं इसमें एक्सेस में। अब ध्यान देना कभी कभी मैं एक्सेस को इस तरह से लिखाऊंगा, हो सकता है ये एक्स रेस जो है इट विल आल्सो रिप्रेजेंट एक्सिस। सो लेट अस डू एंड स्टार्ट द रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो मैं ऐसा करता हूं कि एच आई के साथ इसका रिएक्शन करता हूं पहले। आजा भाई एच आई के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ध्यान देना एच आई कैसे टूटेगा, एच प्लस एंड आई माइनस में, और एच प्लस का रिएक्शन पहले किसके साथ हो जाएगा, इथर के साथ हो जाएगा। तो ध्यान देना क्या इसमें इसका फॉर्मेशन हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। देखो तुम किधर से भी तोड़ो तो बात वही है तुम्हारा, जिधर से भी तोड़ोगे तो मतलब कार्बन कैटायन तो तुम्हारा सेम बनेगा, आप किधर से तोड़ दो या तो इधर से तोड़ दो, तो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ ETOH प्लस ET प्लस ET है तुम्हारा इथाइल। अब ध्यान देने की बात है ये जो आयोडीन है भाई साहब, यही आयोडीन क्या करेंगे, रिएक्ट कर देंगे इनके साथ, ठीक है। और ये आयोडीन रिएक्ट कर जाएगा तो ध्यान देना कि इनका फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये इथाइल आयोडाइड, ठीक है। इतना लिख लो, देखो तो ब्लैक यूज करता हूं थोड़ा। देखो इथाइल आयोडाइड मेरा एक प्रोडक्ट मिल गया, अभी रिएक्शन हुआ नहीं है, रिएक्शन इज नॉट कंप्लीटेड हेयर। क्यों, क्योंकि एच आई तो एक ही एच आई का रिएक्शन हुआ, यहां पे एक ही एच आई का रिएक्शन हुआ है, अभी यहाँ पे बोला गया एक्सेस दिया गया है, एच आई क्या दिया हुआ है एक्सेस में दिया गया है, तो ई टी आई का तो रिएक्शन तो होगा नहीं, यहाँ पे रिएक्शन किसका होगा, एच आई के साथ ई टी ओ एच का रिएक्शन होगा एच आई के साथ, ध्यान देना। तो एच आई फिर यहाँ से टूटेगा किसमें, एच प्लस प्लस
आई माइनस में ध्यान देना, इटी ओ एच जब रिएक्शन होगा एच के एच प्लस के साथ ये बन जाएगा इटी ओ एच टू प्लस। ध्यान देने की बात है जो इटी ओ एच जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है अभी। अब ये एच प्लस डालने के बाद ओ एच टू जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहा। अब ध्यान देना, हम बताए थे दिस इज ओ एच टू इज गुड लिविंग ग्रुप। ध्यान देना कि यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है इथाइल पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इथाइल पे पॉजिटिव आ जाएगा तो बचा यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है तुम्हारा आयोडीन, और आयोडीन के साथ रिएक्शन हो गया तो बन जाएगा इथाइल आयोडाइड। ठीक है, और मैं यहाँ पे फाइनल रिएक्शन क्या लिखूंगा, फाइनल रिएक्शन में लिखूंगा फॉर्मेशन ऑफ दो मोल ऑफ इथाइल आयोडाइड व्हेन द एक्सेस ऑफ एचआई इज टेकन। द क्वेश्चन अराइजेस, अच्छा क्वेश्चन ये अराइज होगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ एचआई दैट इज कंज्यूम्ड, एचआई कितना कंज्यूम हुआ है, बोल देंगे कितना मोल ऑफ एचआई कंज्यूम हुआ है तो बोल देंगे 2 मोल ऑफ द एचआई दैट इज कंज्यूम्ड। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है ना। अब मान लो एक्सेस की जगह, मान लो अगर तुमको एक्सेस नहीं दिया रहता, बोल देता लिमिटेड मतलब कंसंट्रेटेड एच आई जो है लिमिटेड, तो बस तुम्हारा दो प्रोडक्ट होता है इटी ओ एच एंड इटी आई। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे नेक्स्ट हम करने वाले हैं दैट इज पी एच ओ सी एच थ्री। अब देखो मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग कंसंट्रेटेड एच आई के साथ। ध्यान देना, अब मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, भूल के भी ये बॉन्ड मत तोड़ देना भाई, नो मतलब नहीं, मतलब क्यों नहीं, क्योंकि पी एच पे प्लस इम्पॉसिबल, पी एच फिनाइल पे प्लस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिनाइल पे कार्बोकैटायन बन ही नहीं सकता है, नो चारा क्या है तुम्हारे पास, एक ही चारा है, चारा मतलब उपाय क्या है, एक ही उपाय है तुम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब बॉन्ड को तोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चा पी एच ओ एच प्लस सी एच थ्री प्लस बचा क्या है यहाँ पे आयोडीन माइनस बचा, आयोडीन माइनस जब रिएक्ट करेगा तो फर्स्ट प्रोसेस में तुम्हारा क्या बन गया पी एच ओ एच और सी एच थ्री आई। अच्छा अब यहाँ मान लो बोल देंगे कि कंसंट्रेटेड एच आई मैं एक्सेस में डालूं, तब क्या कर लोगे, ध्यान देना सी एच थ्री आए तो फॉर्मेशन हो गया है, अब आगे तो रिएक्शन करना मत। अच्छा दूसरा चीज है कि पी एच ओ एच का रिएक्शन होगा क्या एच आई के साथ, मैं लिखू पी एच ओ एच प्लस एच आई, भाई साहब फिर से तुम यहाँ पे क्या गलती करोगे, पी एच प्लस बनाने की कोशिश करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ध्यान देना कि यहाँ पे एक ही रिएक्शन होगा, यहाँ पे एक लिख लेना मतलब इस तरह से कि जब बेंजीन में इस तरह से रहेगा OH और एच आई जब दिया जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता है ना, नहीं होता है, चश्मा बना लेना इसमें। ठीक है, ठीक है ना, नहीं होता है, पॉजिटिव बनेगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे द मेन प्रोडक्ट इज डिफरेंट।
क्या प्रोडक्ट होगा यहाँ पे? PHOH प्लस CH3, बस। अब ज्यादा दिमाग लगाने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ जाएं। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। ओके, तो हम लोग क्या समझे यहां पे कि जब कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तब जाकर के आगे रिएक्शन होगा, अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो फिनॉल का ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेना है कि जरूरी नहीं कि रिएक्शन कर ही देना है, मतलब कसम खा लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सपोज क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और बोल रहा हूं कि यस, ओ सी एच थ्री सपोज, और यहां पे मैं यूज कर रहा हूं कंसंट्रेटेड एच आई, और वो भी एक्सेस में। अब सोचो बनेगा क्या भाई साहब, स्टेबल कार्बोकैटायन इसको तोड़ के बनाना, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, ये भूलना मत। अब यहाँ पे जो बन गया सो बन गया, दैट इज यहाँ से बना तुमको CH3OH, और स्टेबल कार्बोकैटायन से डायरेक्टली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुमको डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा आयोडीन। ये तो प्रोडक्ट तो बनाओगे कुछ भी कर लो। अब देखो आगे बढ़ जाओ, CH3OH का जब रिएक्शन होगा HI के साथ क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा। देखो यहाँ पे कितना HI यूज हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल HI जो यूज हुआ है इन दिस केस, एक यहाँ पे HI यूज हुआ है इस रिएक्शन को, 2 मोल ऑफ HI यूज हुआ है। एक्सेस का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 2 मोल ऑफ HI यूज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड प्लस CH3I। तो ये था डायरेक्ट बनाने का तरीका, इसको भूलना मत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। बेंजीन रहेगा मान लो, देखना ये क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि भाई सर ने बताया था, और बहुत अच्छा काम कर दिया बताने के बाद। कंसंट्रेटेड मान लो हम यूज कर दिए HI, वो भी किसमें, एक्सेस अमाउंट में। अब ध्यान देना यहाँ पे कि एक्सेस अमाउंट में HI जो यूज किए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके रिएक्शन कर लो। हो सकता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन डाल के प्लस लिखोगे, अब मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा ऐसे करना चाहते हो, चलो मैं डायरेक्ट पे आ गया, मतलब यहाँ पे एक साथ ही 2 HI में डाल दिया, कोई दिक्कत है नहीं है, है ना। अब देखो बॉन्ड तो तुम इसको तोड़ोगे भाई, कुछ भी कर लो, बॉन्ड तुम ये तोड़ोगे, बॉन्ड तो ये मत तोड़ना, ये बॉन्ड मत तोड़ना, ठीक है, ये खतरनाक है ना, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फिनाइल पे प्लस आ जाएगा ना बच्चा। तो बॉन्ड इसको तोड़ेंगे तो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ, इसको अलग कर लो निकाल के, प्लस 2 मोल ऑफ मिथाइल प्लस, वेरी गुड। अच्छा मैं अगर बोलूं यहाँ पे कितना मोल ऑफ HI यूज हुआ है, तो बोलोगे सर 2 मोल ऑफ HI यूज हुआ है, बहुत सुंदर, है ना, भूलना मत।
मिथाइल प्लस। अच्छा, मिथाइल प्लस में आयोडीन माइनस, वो एच प्लस तो यहीं पे यूज हो गया, यहाँ पे ही दो एच प्लस यूज हो गया, तो ध्यान देना दो आयोडीन माइनस कहीं ना कहीं तैर रहा होगा, और वो दो आयोडीन माइनस इसको फॉलो अप करेगा, तो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ, बाद में इसका एच आई के साथ रिएक्शन नहीं होगा ये भी बता देते हैं, है ना, इसका बाद में एच आई के साथ रिएक्शन मत कर देना, ये बताएं तुरंत। फिनाइल में नो पॉजिटिव चार्ज, फिनाइल में पॉजिटिव चार्ज नहीं मांगता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितना मोल ऑफ एच आई यूज हुआ है, दैट इज 2 मोल ऑफ एच आई यूज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट अबाउट दिस, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या मिलेगा, वही है एच आई, कितना लेना है एक्सेस अमाउंट में लेना है। देखो तुम इतने बुरे दिन भी नहीं है कि तुम 3 मोल ऑफ एच आई का यूज करके तुम क्या बना लोगे, अभी तो वही काम किए हैं, प्लस 3 मोल ऑफ मिथाइल प्लस, यहीं पे आयोडीन, 3 आयोडीन जो है यहाँ पे क्या है तैर रहा है ना, 3 आयोडीन यहाँ पे क्या है तैर रहा है, ठीक है, 3 आयोडीन यहाँ पे क्या है तैर रहा है, देख लेना भाई ये क्या है, मिथाइल पे अटैक करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल आयोडाइड, द प्रोडक्ट इज, अब पूछना मत सर इसका नाम क्या है, ये नाम तुमको पता कर रखना है ना, ऐसे नाम से क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करेगा उसको ही पता नहीं रहेगा नाम, तो तुमको क्या लगता है जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन जो सेट करता है वैसे थोड़े जो करता है, एग्जामिनर जब क्वेश्चन, अगर मान लो क्वेश्चन सेट किया ना, वो तो खुद देखता है ये क्वेश्चन हमको आता है कि नहीं, ठीक है, तो इतने भी बिस्मार खान ने ये क्वेश्चन बनाने वाले कि बहुत टफ क्वेश्चन ही देंगे, देखो ध्यान देना, एक क्वेश्चन करते हैं फ्रेश पेज में, सपोज कंसंट्रेटेड एच आई एक्सेस, भाई साहब ये बेंजीन नहीं है, गलती मत करिएगा, यहाँ पे, ठीक है, ये बेंजीन नहीं है तो गलती ना करें यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो मैं उतना टाइम से क्या देख रहा था, कार्बो का टाइम बना रहा था, है ना, ये जो आयोडीन माइनस है ना, आयोडीन माइनस जो है निगेटिव चार्ज है, और ध्यान देना देर इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द SN2 रिएक्शन, ये अटैक इस तरह से कर देगा, तो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे तो प्लस नहीं, ये तो तुमको OH आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा जब SN2 रिएक्ट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH आ जाएगा और CH3 I आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो इसको, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद तो 2 डिग्री मिल रहा है, तो 2 डिग्री तो उससे अच्छा है कि SN2 रिएक्शन इधर करके हम निकल जाते हैं। अब ध्यान देना इसका रिएक्शन एच आई के साथ हो सकता है, एच आई के साथ अगर रिएक्शन होगा तो ये बेंजीन तो है नहीं, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, और कार्बोकैटायन बन गया तब यहाँ पे आयोडीन माइनस का रिएक्शन होने से 2 प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है,
एक यहाँ पे आयोडीन प्लस CH3 I। अब काउंट करो कितना एच आई का यूज हुआ है। एच आई का यूज होने के बाद तो तुम्हारा एक प्रोडक्ट ये बना, एक एच आई से दिस प्रोडक्ट 1 and 2। फर्दर इसका रिएक्शन होने के बाद एच आई कंज्यूम हुआ है तो ये बना टोटल मोल ऑफ एच आई दैट इज कंज्यूम दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान देना, हम लोग स्टेबिलिटी हमेशा चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, देखो अच्छा क्वेश्चन जब मिलता है ना तो हमको ज्यादा मजा आता है। अभी वहां पे जैसे SN2 रिएक्शन किए थे, ध्यान देना तुम गलती से भी यहाँ पे H+ का रिएक्ट अटैक मत कर देना। इसका रिएक्शन वही है कि एच आई के साथ एक्सेस ऑफ एच आई के साथ क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पे इधर ऊपर तोड़ दो या तो नीचे तोड़ दो, अनस्टेबल फिनाइल बन जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। ध्यान देना हम अटैक करेंगे इसको, बीच में कोई रिएक्शन नहीं करना, मतलब यहाँ पे ओ एच हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे CH3। अभी जैसे SN2 जो किए थे सेम उसी तरह से करना है, और ये पार्ट यहाँ पे निकल गया तो ध्यान देना यहाँ पे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा OH प्लस CH3 I। पूछा गया कितना मोल ऑफ HI कंज्यूम हुआ है तो बोलेंगे 1 mole of HI कंज्यूम हुआ है। इसका रिएक्शन आगे मत कर देना, फिनॉल है ना। देखो अब क्या है ना कि इसमें क्या करेगा, अब रिएक्शन में ये कर देगा लो, अब रिएक्शन में क्या कर सकता है, यहाँ पे जो नया क्वेश्चन वाला बनाने वाला, मान लो हम ही आदमी है जो नया क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ से बेंजीन गायब कर देंगे भाई। अब ध्यान देना ये तोड़ने के बाद तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो OH बना है इसका फिर से रिएक्शन हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो तुम देखोगे इसका रिएक्शन हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा, मतलब बेंजीन का ही एक हम क्या देख रहे हैं, एक्सेप्शनल केस है। समझ में आ गया बात। एड पेज ऑल राइट, बहुत फास्ट हम चल रहे हैं अभी। ये आपके लिए होमवर्क है, एक्सेस ऑफ HBR डालने से क्या बनेगा। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूं। कंसंट्रेटेड HI डालो क्या बनेगा, मैं बना रहा हूं ध्यान देना। तुम चाहे यहां तोड़ो या वहां तोड़ो, ठीक है, तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन पे जाएंगे, और जैसे ही तुम H+ डाले ये बॉन्ड टूट गया, इधर से CH3OH हो गया, तो थोड़ा बहुत ये रिएक्शन तुमको कैसा लग रहा है, CH2+ बना। अब ध्यान देना आयोडीन माइनस अटैक किया यहाँ पे तो क्या बन गया, PHCH2I बन गया, आगे रिएक्शन नहीं होगा, फिर से यहाँ पे CH3OH का HI के साथ रिएक्शन होगा तो CH3I बनेगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं। वही 2 mole of HI यहाँ पे क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है। ठीक है, हमको ही पता नहीं है टाइम कितना हुआ, एक बहुत अच्छा रिएक्शन करते हैं वो, सपोज मान लो यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं, मान लो 3 mole of HI यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना यहाँ पे बनेगा OH2+ बनेगा, बच्चे यहाँ पे तो OH रहेगा ही, OH2+ को निकाल दो, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब देखो I माइनस, देखो पहले क्या है ना,
थ्री मोल क्या लिखना है, हम एच आई से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको नंबरिंग करना कितना एच आई हम दे रहे हैं। तो एक मोल ऑफ एच आई एच प्लस जो है यहाँ पे अटैक हुआ। अब नेक्स्ट क्या होगा, आयोडीन माइनस अटैक करेगा, तो ध्यान देना यहाँ पे वो एच आ जाएगा। अब मैं फिर से एच आई का रिएक्शन कर रहा हूँ सब कुछ, एच आई का फिर से रिएक्शन करने पे ध्यान देना ओ एच टू प्लस बन जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये है ओ एच टू निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। आयोडीन माइनस तैर रहा है तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन एंड आयोडीन। और पत्ते की बात बताने वाले हैं तुम लोग को, दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हैश टैग लिख लेना, एडजेसेंट कार्बन में, इन एडजेसेंट कार्बन, इन एडजेसेंट कार्बन टू आयोडीन इज अनस्टेबल। दो आयोडीन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। एडजेसेंट कार्बन में दो आयोडीन अनस्टेबल होते हैं तो डी आयोडिनेशन हो जाता है। वहां पे क्या होता है, डी आयोडिनेशन हो जाता है। डी आयोडिनेशन का मतलब ये आयोडीन और ये आयोडीन निकल जाएंगे, तो ध्यान देना क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, इथिन बन जाएगा। अब ध्यान देना फिर से एच आई का रिएक्शन हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि एच आई तुम्हारा क्या है, एक्सेस में है। अब देखो यहाँ पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज, प्रोडक्ट बन गया ये, इसको लिख लो, अभी तो दो मोल है ना, हम लोग आगे करेंगे इसके बाद कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सो गाइज आई थिंक एक और रिएक्शन करने से अच्छा है कि चलो एक कर ही लेते हैं यहाँ पे। अच्छा कोई पूछेगा सर एच आई का यहाँ पे एडिशन कैसे होगा, तो ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे एच आई का जो डबल बॉन्ड में एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ एडिशन के जरिए रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मोल ऑफ एच आई यूज हुआ है, तो बोलेंगे थ्री मोल ऑफ एच आई इज यूज हियर, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देगा एक्सेस ऑफ एच आई से क्या बनेगा, एक्सेस ऑफ एच आई से बनेगा तुम्हारा ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक हम करने वाले हैं, ध्यान देना, एच आई देखो थ्री मोल ऑफ डायरेक्ट मैं एच आई लिख देता हूं, क्या ये बनेगा सोच के बताना। यस, दो आयोडीन एक साथ मिल गए, डी आयोडिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे आयोडीन दो निकल गए तो ऐसा प्रोडक्ट बन गया। एक बार कॉपी बना करके देखना, हर प्रोसेस को बना करके देखना। अब ध्यान देना कि यहाँ पे फिर से एच आई जो ऐड होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉफ रूल। अब जब एच आई जब ऐड होगा तो ध्यान देना यहाँ पे आयोडीन तुम्हारे इससे हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से दो आयोडीन नजदीक में आ गया, फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आयोडिनेशन। अरे एच आई यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ डाल देना, यहाँ पे आयोडीन डाल देना, समझ आ रहा है, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा तो डी आयोडिनेशन हो गया फिर से यहाँ पे, ठीक है। देखो बस ये याद करते रहना एच आई कहाँ कहाँ डाल रहे हो, फिर एच आई डाल दो यहाँ पे, फिर से रिएक्शन होकर के यहाँ पे टू आइडो प्रोपेन बनेगा, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितना मोल ऑफ एच आई यूज हुआ है, तो बोलेंगे बोलेंगे हाउ मच मोल, फाइव मोल ऑफ एच आई दैट इज कंज्यूम्ड।
वही मार्कोनी कोऑफ एडिशन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। चलिए हम लोग आज यहाँ पे सेवा समाप्त करेंगे। ऑल राइट।